हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास के थ्रू मैं शेयर करूंगा एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी। जो स्टूडेंट ये शिकायत करते रहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती या गवर्नमेंट जॉब्स में वैकेंसीज नहीं निकलती, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। यूपी में इसी साल 4 लाख सरकारी नौकरियाँ निकलेंगी 64 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो ये अनाउंसमेंट कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पूरी खबर को हम एनालाइज करेंगे, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी भर्तियां हैं, और इसमें महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, महिलाओं के लिए भी इसमें काफ़ी वैकेंसी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव से पहले डेफिनेटली ये वैकेंसीज आने वाली हैं, और यूपी सिटी में, यूपी स्टेट में ये सारी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी वैकेंसीज़ जो खाली पड़ी हैं उनको भरा जाएगा इस साल। देखिए, 68,000 से ज़्यादा बेसिक शिक्षा विभाग में होंगी भर्तियाँ, ठीक है। 68,000 से ज़्यादा भर्तियाँ होंगी बेसिक शिक्षा विभाग में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेसिक शिक्षा विभाग में ये भर्ती हैं। और 34,000 से ज़्यादा पद खाली हैं पुलिस विभाग में। तो ये सारे पद इसी साल भरे जाएंगे क्योंकि इस साल चुनाव होने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर 2019 में। तो उसके लिए ये सारी प्लानिंग चल रही है योगी आदित्यनाथ की। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के बताता हूँ, इस न्यूज़ को आप देख सकते हैं कि अपनी सरकार का 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब आगे का एजेंडा तय कर दिया है, आप यहां पर देख सकते हैं। इसके तहत इस साल 4 लाख सरकारी पदों पर भर्ती कर बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएंगी। यह भर्तियां कुल 64 विभागों में की जाएंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ये न्यूज़ है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस साल आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है यदि आप फोकस के साथ तैयारी करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान सोमवार को किया, सरकार ने पहली सालगिरह पर 1 साल नई मिसाल का नारा दिया है। ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ये लेटेस्ट न्यूज़ छपी है, और उसका मैं पूरा आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, ये गुलाबी बसों की शुरुआत की जा रही है, इसमें से 10 बसों में ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं ही होंगी। तो महिलाओं के लिए काफ़ी नौकरियाँ हैं इस बार, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नौकरियाँ ये निकलेंगी। यूपी पीएससी सिपाही में 34,000 वैकेंसी हैं, ठीक है। बेसिक शिक्षा में 68,000 हैं, माध्यमिक शिक्षा में 10,000 वैकेंसी हैं, डिग्री कॉलेज में 12,000 वैकेंसी हैं, परिवहन निगम में 10,556 वैकेंसी हैं, चिकित्सक की 7,000 वैकेंसी है, डॉक्टर्स की, ठीक है। राजस्व लेखपाल की 3,300 वैकेंसी हैं। तो आप देख सकते हैं समाज कल्याण में 100 वैकेंसी हैं, निकाय में 1,500 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर कितने बड़े लेवल पर, PWD इसमें 3,210 वैकेंसी हैं, जल निगम में 800 वैकेंसी हैं। ये वैकेंसी अभी आई नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वैकेंसी बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट इनका होगा, नोटिफिकेशन आएगा यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, और इनको भरा जाना लगभग तय है। आप यहाँ पर देखिए, कानपुर मेट्रो की कार्य योजना जल्दी ही, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी सारी वैकेंसी आएंगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 लाख लोगों को 3 साल में रोजगार का लक्ष्य। तो ये यूपी गवर्नमेंट का लक्ष्य है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 सरकारी विभागों में होगी 4 लाख भर्तियाँ, ठीक है। और 50 गुलाबी बसों की प्रदेश भर में शुरुआत होगी, और इसमें 10 बसों में केवल महिलाएं होंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खुशखबरी है, और इसका अनाउंसमेंट शीघ्र ही होगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तरीके से आप तैयार हो जाएँ इन नौकरियों को लेने के लिए, और निश्चित रूप से इसकी जो प्रक्रिया होगी, देखिए यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि पारदर्शी होगी भर्ती की प्रक्रिया, कोई भी इसमें करप्शन नहीं होगा किसी भी तरीके का। आप यहाँ पर देख सकते हैं पारदर्शी होगी भर्ती की प्रक्रिया, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मेहनत रंग लाएगी यदि आप मेहनत से तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से ये सरकारी नौकरियाँ आपको मिलेंगी और इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की न्यूज़ है, और पूरी तरीके से ऑथेंटिक न्यूज़ है, और ये सारे नोटिफिकेशंस शीघ्र ही इसी साल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो क्लास में मैं यही आपको बताना चाहता था कि सरकारी नौकरियों के लिए जो स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है। सरकार का 1 साल पूरे होने पर दी कई सौगातें आप यहाँ पर देख सकते हैं, और भ्रष्टाचार रोकना और रोजगार सृजन ये प्राथमिकता है योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट की। तो इसकी वजह से ये नौकरियाँ निश्चित रूप से आएंगी और इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये न्यूज़ हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से मैंने ली है, और आप और सभी स्टूडेंट के साथ शेयर की है। तो इसका नोटिफिकेशन शीघ्र ही आएगा, और शीघ्र ही आप फॉर्म भर पाएंगे और ये नौकरियां आपको मिलेंगी। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन, बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।